नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुजन समाज के बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। सत्यप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत अच्छा स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, अभी भी जो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के चुनाव हुए हैं उनको लेकर आप हमेशा हर एक मंच पर दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो कम कहीं दिखाई दे रहा है और बीजेपी का वोट बैंक भी कहीं बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर निकल रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो ये सवाल है मुझे नहीं पता कि कांग्रेस और बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है में क्या अंतर है जी, लेकिन मुझे बहुजन समाज पार्टी जो एक सोशल रिफॉर्मेशन पार्टी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मैं न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, ना ही मैं मीडिया की बात करता हूँ कि उन्हें किस आधार पे इन दोनों का जो वोट इस तरह वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो अपना नजर आ रहा है जी। जो पार्टी 30 साल पहले एस्टेब्लिश हुई जी, वो भारत के आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक उसका वोट बैंक है जी। ठीक है, आज जब आप ये देखिएगा, आज इस रिजल्ट के बाद लोग कहते हैं कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा जी। और एक मैंने ये सुना कि अगर बहन जी कांग्रेस से कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती तो हमें ज्यादा सीट मिलती जी, है ना, और बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ जी। मुझे नहीं पता लोगों की मानसिकता क्या है, क्या कितना उनको राजनीतिक विश्लेषण है। अगर कांग्रेस से समझौता करने के बाद हम जीरो पे आ जाते जी, तो लोकसभा इलेक्शन में जो हमारी जो रेपुटेशन है, जो हमारी फेथ है और गुडविल है, वो जीरो होती जी। आज चाहे हमें 2 सीट मिली हो, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी बड़े मगरमच्छ के सामने डरे नहीं जी। हम छोटी मच्छी बेशक से हैं, लेकिन हम मगरमच्छ से की आंख में आग डाल के हम उनसे समझौता करते हैं, समाज के हितों की बात करते हैं। और किस इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस से समझौता करने के बाद में हमें 25 से 30 सीट मिलती, क्योंकि कांग्रेस वही सीट हमसे मांगती है जिस सीट पे हम मजबूत हों। ठीक बात है, कांग्रेस वही सीट हमसे मांगती है जिस सीट पे हम मजबूत हो। हम अपनी मजबूत सीट पे खुद लड़ेंगे और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और अगर हम गठबंधन की राजनीति करते तो कांग्रेस को समर्थन नहीं करते। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, जब गठबंधन की बात होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है कि जो कांग्रेस के वोट हैं, किसी भी पार्टी के वोट होते हैं, वो तो बहुजन समाज को नहीं पड़ते और बहुजन समाज के वोट 100% जो है वो दूसरी जो गठबंधन की सरकार होती है उसको पड़ जाते हैं। देखो सर, एक गाना है कि सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी, सीखी सारी चीजें ना सीखी होशियारी। हमारा जो समाज है गठबंधन के नाम पे 100% उन लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन जब उनके वोट डालने की बात आती है तो उनका दिल कांपता है। उन्हें लगता है कि क्यों एक अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं अपना राजा बनाऊं। सवाल तो यह है कि जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, शासन प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत यह थी कि वो एक विशेष वर्ग से आती थी। तो गठबंधन की राजनीति ये है कि हमारे लोग अनजान है, हमारे लोग सीधे हैं, हमारे लोगों के पास वो षड्यंत्र और छल नहीं आता, तो हमारे लोग उन्हें वोट कास्ट कर देते हैं और जिसका फायदा उन्हें मिलता है। ये बात हमारी कोर कमेटी को भी पता है, बीएसपी को भी पता है। यही कारण है कि हम लोग जो गठबंधन के नाम पे जो हमने गठबंधन नहीं किया, इसी वजह से हमने नहीं किया कि हमारी वोट से कांग्रेस तो जीत जाएगी जी, लेकिन हमारा अस्तित्व अटल रहा। जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। साहब काशीराम को जब ये प्रेसिडेंट बना रहे थे, बहन जी को गृह मंत्री बना रहे थे, तो ये हमारी राजनीति नहीं है कि गठबंधन करके हम अपने आप को और पूरे समाज को बेच दें। हमें चाहे एक सीट आए या एक वोट आए, हमें समाज की वो वोट चाहिए जो समाज में सामाजिक परिवर्तन की पक्षधर है। आपको लगता है कि बहुजन समाज का वोट बैंक कम नहीं हो रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ रहा है? आप मुझे मुझे जो ये आपका जो सवाल है कि क्यों कम नहीं हो रहा, क्यों कम हो रहा 30 साल में, मुझे भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर कोई ऐसी जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सारे यही दिखा रहे हैं। वो देखिए, न्यूज चैनल क्या कभी शेड्यूल कास्ट समाज ओबीसी समाज की हुई है? क्या क्या मीडिया आपके है? क्या मीडिया आपके नेताओं को नेता मानती है? क्या मीडिया शाहू जी महाराज, फूले जी महाराज, राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले, संत गाड़गे, अहिल्याबाई होलकर और सर छोटूराम की बात करती है क्या मीडिया? उन्हें नजर आता है क्या मीडिया को? मीडिया मुझे नहीं पता कि किस मीडिया की बात हमारे लोग करते हैं और किस मीडिया के भ्रम में वो जीते हैं और किस मीडिया के भ्रम में वो मरते हैं। मुझे ये पता है कि हमारे समाज के जैसे आप SM न्यूज चैनल, ठीक है, वो समाज की बात उठाते हैं, धरती पर रहकर उठाते हैं, मेरे लिए ये मीडिया है। अगर मीडिया कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है और बहुजन समाज का वोट बैंक कम हुआ है, तो हम बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो आज भी 2 किलो नील में एक लोकसभा इलेक्शन लड़ती है, ठीक है, और आप 50 करोड़ रुपए एक लोकसभा में देते हो और उसके बाद में आप एक लोकसभा की सीट जीतने की बात करते हो, और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम आज भी 1 रुपया दे के बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करते हैं। और एक पूंजीपति बता दो
जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हो और 7 राज्यों में हमारा खाता खुला है और भारत के हर राज्यों में हमारा वोट बैंक है, और जो पार्टी 125 साल पहले एडवर्ड एलन ह्यूम ने बनाई, जो 70 साल पहले पार्टी संघ के नाम पे बनी, उस पार्टी से हम 30 साल से संघर्ष करके आज हम राष्ट्रीय पायदान पे खड़े हैं। कौन कहता है कि हमारा वोट बैंक कम हो गया है? वोट बैंक सिर्फ क्या आप वोट के आधार पे और ईवीएम हैकिंग के आधार पे? कल तक तो आप पूरे के पूरे बूथ कैप्चर इलेक्शन बंदूक के बल पे करते थे, आज आप बूथ कैप्चर ईवीएम के बल पे करते हो। तो आप हक परस्ती में जब कभी राय शुमारी होगी जी, हक परस्ती में जब कभी राय शुमारी होगी, वहां सबसे पहले आवाज हमारी होगी, कर लेना जितने भी बूथ कैप्चर और ईवीएम पे कब्जे, वहां उनसे लड़ने के लिए हमारी बहन कुमारी मायावती होगी। बहुत बढ़िया, आपके सत्यप्रकाश गौतम जी जो हमेशा अपनी बात को और बहुजन समाज की बात को सबसे पहले आगे रखते हैं, और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को अपना मनोबल कहीं भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मीडिया जो आपको दिखाती है वो सच नहीं होता है, बहुजन समाज की वोट बैंक कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। एसएमडी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।